नमस्कार, स्वागत है आपका भिवानी कुकिंग में। आज हम बनाएंगे शलगम और मटर की सब्जी, वो भी मिट्टी की हांडी में। पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब छोटे होते थे तो गांव में जाते थे तो वह चूल्हे पर हांडी में ही सारी सब्जियां बनती थी, तो उसका अपना ही अलग स्वाद होता है। चलो पुरानी यादों को ताज़ा करें, मिट्टी की हांडी आजकल हर जगह मिलती है, उसमें बनाते हैं शलगम और मटर की सब्जी, वो भी एक आसान तरीके से। सबसे पहले हांडी को गर्म कर लेंगे, जब बढ़िया गर्म हो जाए तो उसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे और लहसुन के तुरंत बाद हम प्याज भी डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसको भूनेंगे, पिंकिश कर लेंगे। जब हमारा ये कलर चेंज हो जाए प्याज का तो हम डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और बाद में हम टमाटर डालेंगे और उसको भूनेंगे। इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है मसालों को। उसके बाद साथ ही साथ हम मटर, शलगम और मैंने शलगम के साथ एक आलू भी डाला है, वो भी डाल देना। चार शलगम, एक आलू और एक कटोरी मटर और दो टमाटर, इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे हम 2 से 4 मिनट तक इस तरह। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें हम वो डालेंगे, चीनी डालेंगे और साथ में थोड़ा सा 1-2 कड़छी पानी डाल देंगे और फिर हम इसको ढक देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद हम इसको खोल लेंगे, लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और बढ़िया शलगम एक ही बार ढक्कन उठाना है। और देखो शलगम और जो हमारे मटर है बहुत बढ़िया गल गया, साथ में आलू भी, और ये हमारी बढ़िया शलगम और मटर की सब्जी विद आलू की कॉम्बिनेशन हांडी में बनकर तैयार है, जो कि एक आसान तरीके से। इसमें हमने प्याज को नहीं ज़्यादा भूनना, टमाटर को नहीं ज़्यादा भूनना, सब एक साथ डाल देंगे और हांडी में ही दम लगेगा और ये बढ़िया हमारी शलगम मटर की सब्जी हांडी में बनकर तैयार है और अनोखे स्वाद के साथ। शलगम और मटर की सब्जी मिट्टी की हांडी में और वो भी सरसों के तेल में बहुत बढ़िया बनकर तैयार है और पुराने दिनों की याद ताज़ा होगी, बहुत बढ़िया बनी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना, शलगम और मटर की सब्जी और वो भी मस्टर्ड ऑयल में और बिल्कुल ढक के, अगर हांडी नहीं है पर इस तरह से बनाना तो बहुत बढ़िया बनेगी। बढ़िया बने तो हर बार की तरह कहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।